ब्रह्म की जागृति और उसकी सद्गति आपसे ही होगा, आपको ही करना है और आपके द्वारा ही होगा। कैसे होगा? वो अंतर्निहित हो ही होगा, यानी कि अंतर्मुख होने से ही वो विकास होगा। तो ये तो रही हमारा इनर वर्क का जो फाउंडेशन है, इसीलिए हम इसको इनर वर्क कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से ही इसको विकास करना है। रेडी फॉर बीइंग ए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, अगर आप उस डिवाइन का एक इंस्ट्रूमेंट बनकर इस महान जागृति, यानी कि जिसको हम ग्रेट अवेकनिंग या तो ग्रैंड अवेकनिंग कहते हैं, उसमें एक दिव्य साधन बनने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आप को सिर्फ और सिर्फ इस 6 दिव्य गुण के ऊपर ही काम करना है। किसी को समझाना नहीं, खुद को समझना है। आइए समझते हैं कैसे उनको विकसित करें। पहला है आभार, यानी कि एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट किसको करें? सबके मन में यह आएगा कि मैं प्रैक्टिस तो करूंगा और सबको एप्रिसिएट करता रहूंगा। नहीं, इनर वर्क है तो पहला मंदिर तो आपका शरीर ही है, जिसको विंग मेकर कहते हैं कि ह्यूमन वेसल या तो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग में लाना है। आइए इसको अब ध्यान के रूप में समझते हैं। अब आंखें बंद करके आप सांस के ऊपर ध्यान दें। मैं बोल रहा हूं, आप श्वास को आ रहा है फिर जा रहा है। अब आप ध्यान करके सोचिए कि कौन सा ऐसा डिवाइन यूनिवर्सल स्पिरिट है जो आपके अंदर काम कर रहा है। उसके प्रति सजग होइए, उसका स्थान है आपका हृदय। हृदय ऐसा अंग है जो सबको संचालित करता है सेंटर में रहकर। जब आप श्वास ले रहे हैं तो फील कीजिए कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव, आभार का भाव इन सब के प्रति है, मदर अर्थ के प्रति है, इस धरती पर जितने फिजिकल नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं, आपके बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं, उन सब के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भाव लाइए। जब आप श्वास छोड़े तो यही ग्रेटिट्यूड जो आपने हृदय में इकट्ठा किया है, उन सब के प्रति आप प्रदान कर दीजिए। और जब आप आंख खोले तो आप फील कीजिए कि मैं अब हृदय से देख रहा हूं। तो ये जो चैनलाइज है, ये हमारे माइंड बॉडी या माइंड ब्रेन विजन से हटके अब हम हृदय से देखना शुरू किए हैं। ये पहली झलक है जो हम अपने पारिपार्श्विक जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, उन सब के प्रति ये आभार प्रकट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है करुणा की। करुणा यानी कि कंपैशन। विंगमेकर कहते हैं कि अंदर से उत्पन्न हर एक सफरिंग यानी कि पीड़ा, उसको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो करुणा ही एक रामबाण है, उससे आप समाप्त कर सकते हैं। कि यही जो करुणा भाव आपके अंदर आपके प्रति जब रेडिएट होगा, तो ये क्या होगा, ये जो सारे अटैचमेंट आपने बहिर्मुख होकर अपने परिवार के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, ये सारे जो जुड़ाव है, लगाव है, इससे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। क्या? क्योंकि ये आंतरिक प्रोसेस है, इनर वर्क है। इससे लाभ क्या होता है, खुद को भी होता है और बाहर से आई हुई जो लगाव सारे हैं उससे भी आप मुक्त होते हैं। तो आप कहीं कुछ छोड़ नहीं रहे, ये आप अपने आप से मुक्त होते हैं। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा ध्यान। फिर से हम आंखें बंद करें, श्वास के ऊपर ध्यान दें
श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके प्रति जागरूक हो। अब हमने समझ लिया कि हम इस धरती पर आए हैं एक डिवाइन प्लान के तहत। हृदय में उसी डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, स्वीकार करें। एक गहरी सांस लें धीरे से और अपने हार्ट में विजुअलाइज करें आप अपने प्रति कितना कोमल भाव ला सकते हैं, सबसे सॉफ्ट, सबसे टेंडरनेस भाव अपने प्रति हृदय में विकसित करें। उस भाव को लाए, इकट्ठा करें, फिर ब्रीथ आउट करें स्लोली। एकदम जब आप छोड़ते हैं, ये विजुलाइज करें कि आप खुद एक डिवाइन लाइट हैं और आपके अंदर जो ये डिवाइन लाइट कंपैशन के रूप में, करुणा के रूप में जो एकत्रित हुआ है, ये एक बरसात जैसा है जो आपके अंदर वो सारे पीड़ाओं को धोकर निकाल देता है। यानी कि आप अब संपूर्ण करुणा भाव में हैं, आपके अंदर पीड़ा है ही नहीं। जब हम आंख खोले तो हृदय से देखें, क्योंकि करुणा का चक्षु हमने उस चश्मे को पहन लिए, तो जिनको भी देखेंगे वो सब के ऊपर करुणा आएगा। यही इनर वर्क है कंपैशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। खुद के प्रति करुणा भाव भी आ गया, आभार भी प्रकट कर लिया, अब क्षमा करना है। यानी कि त्रुटि हुई, उसको हमने एक्सेप्ट किया, अब उसको फॉरगिव भी करना है। फिर से हम आंखें बंद करें, श्वास के ऊपर ध्यान दें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके प्रति जागरूक हो। इस धरती पे ड्वालिटी का जो ये गेम चल रहा है, अगर आप मिडिल में रहकर देखें तो यहां कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा हो ही नहीं रहा। और इसी बेस पे अगर रहे तो आप हर एक चीज को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और स्वीकार कैसे होगा, किसी के प्रति कोई थॉट प्रोजेक्ट करना ही नहीं कि कोई अच्छा है या बुरा है। सिर्फ आपका जो नियम है आप पालन कर रहे हैं, अपने प्रति आप तटस्थ हैं, आप अपने प्रति फोकस्ड हैं। तो उससे क्या होगा, तो उससे आपको लाभ ये मिलेगा कि आप हमेशा प्रेजेंट स्थिति में ही रहेंगे। और विंग मेकर खुद कहते हैं कि अगर आप प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो क्षमा भाव जो है वो लव इन एक्शन है। यानी कि आप क्षमा भाव को जब प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रति, तो वही प्रेम है। तो कितना सरल और शांति से उन्होंने समझाया कि इसके प्रति कोई आपको ध्यान, मेडिटेशन, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतर ज्ञान को अप्लाई करें और अपने प्रति तटस्थ रहे। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्र भाव। विनम्र भाव किसके प्रति, इनर वर्क है तो अपने प्रति ही। तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो विंग मेकर कहते हैं जब आप ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अंदर आप आत्मा है, सोल है, इनफाइनाइट बीइंग है, लेकिन ये शरीर क्या है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कलपुर्जा जैसा है। तो इस ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट में आप खुद रह रहे हैं, तो ये जैसे कि हमारे पुराण शास्त्र में ही कहा गया कि शरीर जो है अपना पहला मंदिर है भगवान का। तो आप भगवान कहाँ ढूंढ रहे हैं, किस पुराण शास्त्र मंत्र में आप ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके अंदर ही है। आइए इसको समझते हैं एक छोटा सा ध्यान। अपने श्वास के प्रति आप सजग हो,
इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अब आप ये महसूस करें कि जब हम टोन ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का आधार समझने इसी धरती पर आए हैं तो ये एक डिवाइन प्लान है। इसको आप अपने हृदय में समाहित करें। फिर जब आप ब्रीथ इन करते हैं यानी कि श्वास जब आप लेते हैं तो एक विजुअलाइज करें कि सृष्टि का आप एक अंश हैं, एक डिवाइन अंश। जैसे पुराण शास्त्र में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि आपके शरीर में जो है वो भी एक क्रिएशन है, ब्रह्मांड भी एक क्रिएशन है। तो इसके तहत हम आज समझते हैं कि ब्रह्म और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप श्वास छोड़े, इसी हम्बलनेस, इसी ह्यूमिलिटी, इसी विनम्र भाव को रिलीज करें, संपूर्ण क्रिएशन जितने सारे सृष्टि है उसके प्रति विनम्र भाव प्रकट करें और महसूस करें और अंदर एक खुशी का भाव लाए कि आप भी एक सृष्टि है। स्थूल चक्षु से दिखने वाला हर एक वस्तु भी सृष्टि है। तो आप क्या हो गए? आपके अंदर कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचे। अंदर भी सृष्टि, बाहर भी सृष्टि। इसी को ही कहा गया कि आप परम तत्व में लीन हो गए। जब हम आंख खोले, उसी हृदय के चक्षु से देखें, हर एक वस्तु में सृष्टि है, चाहे वो मानव है, प्राणी है, कोई भी वस्तु है, वो सारे सृष्टि के एक पार्ट है। तो इसमें भी वही तत्व है, आप में भी सृष्टि है, आप खुद एक सृष्टि के आधार हैं। तो यही टोन ऑफ इक्वालिटी है। नेक्स्ट आती है अंडरस्टैंडिंग। जब हमने आभार प्रकट भी कर लिया, खुद को स्वीकार भी कर लिया, क्षमा भी कर लिया, अपने प्रति करुणा भी भाव ले आए, अब क्या आती है? खुद को थोड़ा समझ भी ले कि हम क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या हम कुछ सीखने के लिए आए हैं या खुद को शिक्षित करके एसेंशन का एक डिवाइन पार्ट को इम्प्लीमेंट करने आए हैं। हृदय के ऊपर हाथ रखे और फील करे उसका स्पंदन। ये कभी आपसे नहीं पूछता है कि मैं चलूं या रुक जाऊं। इसका स्पंदन ही हमारे यूनिवर्सल एंटिटी जिसको हम परम तत्व कहते हैं उसको हम अंदर फील कर सकते हैं, कितना नजदीक का रास्ता है। धीरे से गहरी सांस लेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि देखो ये परम तत्व मेरे कितना नजदीक है, अपने अंदर है, ये आज मैं जान पाया। इसके प्रति जागरूक हो, इसके प्रति वो सारे भावनाएं लाए जो अभी तक हमने सीखा और सुना। जब आप सांस छोड़े तो ये जितने सारे हमने भावनाएं, दिव्य गुण इकट्ठा किए उसको
हम अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं, ताकि इससे हम संपूर्ण मानवता को ये वाइब्रेशन हम पहुंचा सके। हम सारे मानव हैं, हमारा गुण और उद्देश्य यहाँ पे एक ही है। जब हम आँख खोले तो हृदय के चक्षु से देखें कि सबका उद्देश्य एक है, सब एक ही धरती पर हैं, सब आपके जैसा ही सांस ले रहे हैं, सबके अंदर वही हृदय है, वो सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो आपके पास हैं, वो अभिन्न है। मूल उद्देश्य सबका एक है, भगवत्ता। तो विंग मेकर कहते हैं, जब आप इस प्रेम भाव को हृदय के चक्षु से जब देखते हैं, ये परफेक्ट ह्यूमन है। अब आते हैं लास्ट पार्ट, ये है वेलोर, यानी कि वीरता, या तो हम कहते हैं निर्भय भाव। तो आइए इसको अब प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा ध्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट के ऊपर हाथ रखें, फील करें कितने दिव्य हैं, और ये सोर्स हमारा हार्ट है, इसके प्रति एक कृतज्ञ भाव लाइए। एक गहरी सांस लें धीरे से, हमारा हार्ट एक्सपांड हो रहा है, इसके अंदर अब 6 दिव्य गुण हमने इंस्टॉल कर दिया है। उसी वीरता मनोभाव से, उसी कॉन्फिडेंस से आप जब श्वास छोड़े तो आप महसूस करें कि अब हम सब तैयार हैं इस दैविक यात्रा के एक स्टेप आगे जाने के लिए, ह्यूमन का इवोल्यूशन देखने के लिए। जो समय को हमने चुना है, वो समय अभी आ चुका है। हमारा विंग्स तैयार है, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। और ये एक एफर्मेशन देते हैं, वी कैरी आवर ओन विंग्स ऑफ फ्रीडम। हम हमारा स्वतंत्रता का पंख जो है, हम अपने साथ लेकर आए हैं, अब उसको विकसित करना हमारा काम है। अब से हम तैयार हैं। उसी कृतज्ञता भाव से अपने प्रति खुशी से जब चक्षु खोले तो सबको एक जैसा देखे कि सब तैयार है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भाव का वाइब्रेशन स्प्रेड करें कि अब ह्यूमैनिटी तैयार है। जो बबल ट्री से इनफाइनाइट बीइंग्स देख रहे थे कि ये कब जागेंगे, उनके प्रति भी एक मैसेज दें, अब ह्यूमैनिटी तैयार है। तो ये अगर हम 6-8 वर्च्यूज अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमारा शरीर है, तो अब इस प्रैक्टिस के तहत ये जो स्पेस सूट जो हमने इतने हजारों करोड़ों साल से री इनकार्नेट होकर हमने पहन रखा था, उसको उतारने का समय आ गया। विकसित कैसे होगा? यही शरीर में होगा, लेकिन जब विकसित होगा वो एक नया दिव्य रूप होगा, और हम अपना ट्रू नेचर, हम कैसा थे
उसको भी हम महसूस कर पाएंगे। और जो आज हम इंडिविजुअली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम सारे लोग इसको आपस में शेयर करके एक दूसरे को जगा कर इस प्रोसेस को जब हम खुद के अंदर पूरी तरह से ढाल दें, तो वो हो जाएगा ग्रैंड पोर्टल। यानी कि अब माया का दीवार को ध्वस्त करने का भी समय आ जाएगा और वो समय बहुत नज़दीक है। इसीलिए डिवाइन प्लान को ट्रस्ट रखते हुए, रेस्पेक्ट रखते हुए अपने प्रति, क्योंकि ये प्लान हमारा है, क्योंकि हम सब के सब डिवाइन बीइंग्स हैं, यहाँ पर इस टाइमलाइन को चुन कर आए हैं, तो ग्रैंड पोर्टल के प्रति भी जागरूक रहकर इस इनर वर्क को करते रहें, अपने स्पिरिचुअल ऑथेंटिक जो भी आप मार्ग फॉलो करते हैं उसके साथ। ये एक एड ऑन है, ये एक और एक वेटेज है हम सबके लिए कि हमको अब रास्ता मिल गया, कैसे हम इसके पार देख सकते हैं। और वी मेकर खुद कहते हैं कि जब आप ये ग्रैंड पोर्टल को एक्टिवेट करके इस माया के दीवार को जब आप ध्वस्त कर देंगे, तो यही ह्यूमन का एक इवोल्यूशन है, वो है सोवरेन इंटीग्रल। थैंक यू।